गुमला थाना क्षेत्र के वृंदा पंचायत के चाने टोली गांव में सुखदेव लोहरा के मकान में शनिवार की देर रात्रि करीब 1 बजे आग लग गई। आगजनी के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन परिजनों का कहना है कि किसी ने जानबूझकर आग लगा दी है। आगजनी इस घटना में पीड़ित परिवार को लगभग 2 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। रविवार को घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित सुखदेव लोहरा ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था, जबकि उसका बेटा रात में किसी अन्य दोस्त के यहाँ सोने चला गया था। शनिवार की रात्रि करीब 1 बजे अचानक किसी चीज के फटने की आवाज गांव वालों ने सुनी और धुआं निकलता हुआ देखा। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन देखते देखते आग की लपटें तेज हो गई। घर में रखे सोलर प्लांट, पंप सेट, टमाटर का 50 पीस ट्रे टीवी, पलंग सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। घटना की सूचना बड़े बेटे के द्वारा दी गई। वहीं अहले सुबह पीड़िता अपने घर पहुंचा तो देखा कि सामान जलकर बर्बाद हो चुका है। पीड़ित ने जिला प्रशासन गुमला से मुआवजे की मांग की है। वहीं पीड़िता ने थाने में अज्ञात के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। ये घर किनका है? घर आपका है? हाँ। कैसे जल गया? हम तो मेहमान गए थे, रात में हम नहीं थे। घर में ताला बंद था? हाँ, ताला बंद था। कितना बजे आग लगा है? 12-1 बजे। 12-1 बजे पता कब चला आपको? हमको तो 3 बजे फोन किया था भाई साहब। आप सुबह में आए हैं? हाँ, सुबह में आए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।